अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। पाकिस्तान में दंगल रिलीज क्यों नहीं हुई थी? क्या आमिर ने फिल्म की कहानी से की थी छेड़छाड़? दंगल गर्ल्स ने किसका साथ दिया था? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। सभी रिकॉर्ड्स ब्रेक करके बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल कुछ पड़ोसी देशों में रिलीज नहीं हो पाई थी। दंगल में लीड रोल निभाने के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान ने इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने से इनकार कर दिया था। एक्चुअली पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी थी कि भारतीय राष्ट्रगान और तिरंगे से जुड़े दो सीन्स हटा दिए जाएं, लेकिन इस शर्त पर आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनके सेंसर बोर्ड ने फिल्म में दो जगह कट की मांग रखी और इसीलिए वहां इस फिल्म को रिलीज करने के लिए मना कर दिया गया। और आमिर खान के हिसाब से ये मांगे गैर वाजिब थी और यही सीन्स फिल्म की जान थे। और दूसरी तरफ पाक सेंसर बोर्ड के हेड एम हसन ने कहा था, ये मांगे बोर्ड की एकमत राय नहीं थी और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स पर डिपेंड करता है कि मूवी को रिलीज करना है या नहीं। और कई बार फिल्म को रिलीज करने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो लगता है दंगल 2 फिल्म को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इंडियंस सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा गौरव, हमारा राष्ट्रीय गीत को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जबकि सबको मालूम है कि दंगल फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान खुद थे और वो जो चाहें कर सकते थे। एक्चुअली फिल्म में एक सीन दिखाया गया था जिसमें मूवी के एंड में गीता फोगाट को सम्मान मिलने के टाइम पर उनके पिता महावीर फोगाट मतलब आमिर खान को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और इस पर गीता के रियल लाइफ कोच प्यारे लाल सोंधी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन गीता ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा सिर्फ फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने के लिए किया गया था, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गीता ने बताया कि उनके फादर को कमरे में बंद नहीं किया गया था बल्कि रेसलिंग एरिया में जाने से रोका गया था, क्योंकि रेसलिंग एरिया में सभी कोच और खिलाड़ी होते हैं और मेरे पापा को एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया था। लेकिन आमिर सर ने कहानी के साथ अगर छेड़छाड़ भी की तो वो सिर्फ कहानी को दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि आमिर खान पर ये आरोप लगाया जाता था कि वो फिल्म की कहानी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और अगर दंगल 2 के भी प्रोड्यूसर अगर आमिर खान ही हुए तो ये भी पॉसिबल होगा कि वो फिर से कहानी में कुछ ना कुछ क्रिस्पी सीन्स ऐड करें ताकि इस फिल्म की कहानी पहले वाले दंगल से और एंटरटेनिंग और मोटिवेटेड भी हो। इस फिल्म की फीमेल एक्ट्रेस ने गीता और बबीता का जो किरदार निभाया था वो दोनों देश की बेटियां सिर्फ कुश्ती में नहीं बल्कि पर्सनल जिंदगी में भी आगे कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटती हैं। और उन्होंने फिल्म की फीमेल एक्ट्रेस जायरा वसीम का हर पल साथ दिया, क्योंकि जायरा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनको रोल मॉडल ना माने क्योंकि जिस बाली उम्र में उन्हें शोहरत हासिल हुई वो हर किसी को नसीब नहीं होती। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी कामयाबी अच्छी नहीं लगी क्योंकि कश्मीर की वादियों से निकलकर बॉलीवुड की गलियों तक आना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें इस मामले में सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और अकेले ही अपने आप को पूरा करने चल पड़ी। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस भी था कि उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर ये कदम उठाया, और इसी बात को जानकर रियल दंगल गर्ल्स गीता और बबीता ने उनका पूरा समर्थन भी किया और कहा, तुमने जो किया वो सही था, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार किया जा सकता है। और इसकी वजह से हो सकता है दंगल 2 फिल्म में भी फिर से इनकी वापसी दिखाई जाए, क्योंकि जितनी बेबाक गीता बहने थी उतना जज्बा तो जायरा में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार दंगल 2 में जायरा वसीम को फिर से कास्ट किया जाएगा? डू कमेंट एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।